की रणनीति पर मंथन हुआ। सभी 11 सीटों पर जीत की रणनीति बनी है। इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और 7 अलग अलग मोर्चा के जो पदाधिकारी और नेता थे वो इसमें शामिल हुए। बीजेपी की बड़ी बैठक, सभी 11 सीटों को लेकर रणनीति बनी है। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं राजिम कुंभ, जहां पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आपको नजर आ रहे होंगे कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्र, वो भी नजर आ रहे हैं, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। राजिम कल्प कुंभ, भगवान राजीव लोचन के आशीर्वाद के साथ इसकी शुरुआत बीजेपी के शासनकाल में ही, पिछली बार जब बीजेपी सत्ता में थी तब इसकी शुरुआत हुई और तब से लगातार इसका जो स्वरूप है वो दिव्य और भव्य होता जा रहा है। 3 नदियों के संगम पर राजिम कुंभ, जहां ये आयोजन हो रहा है। भगवान राजीव लोचन श्री राम का एक और स्वरूप, उनके पूजन अर्चन के साथ आराधना, इसी हम मनवांछित फल प्रदान इसी करने वाले संगम में देव महादेव के श्री एक शिवलिंग भी स्थापित है, जहां से तीनों नदियों का प्रवाह होता है। माना यह जाता है माता सीता ने कहा कि वो पूजा कहां करें, और तब वहां शिवलिंग की स्थापना की गई थी। ऐसे राजिम कुंभ में यह दिव्य भव्य आयोजन, और यहां पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। राज कुंभ तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महादेव की आराधना, शिव तांडव स्त्रोत के साथ शुरुआत। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो किस सीट की रही है? रायपुर सीट, जो लगभग किले की तरह है बीजेपी के लिए। यहां अब सुनील सोनी की जगह मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इस मुद्दे पर बृजमोहन अग्रवाल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। पार्टी का जो निर्णय है वो मुझे सिरोधार्य है,
और केंद्रीय नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया है वो निश्चित रूप से सोच समझ कर और वो छत्तीसगढ़ के हित में, देश के हित में, पार्टी के हित में निर्णय लिया है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे ऊपर जो विश्वास पार्टी ने किया है उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। इधर दिल्ली में 7 मार्च को कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी और इसमें उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। इसके बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। वहीं छत्तीसगढ़ के 11 सीटों में से 10 सीटों के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग तय हो गए हैं। न्यूज 18 के पास संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट भी है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में नजर आएंगे। तो कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हैं। संभावित लिस्ट न्यूज 18 लगातार आपको बता रहा है और तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में नजर आएंगे। अब जान लीजिए कि जिन 10 लोकसभा सीटों पर नाम तय किए गए हैं, कौन कौन संभावित चेहरे हैं, किस लोकसभा सीट से किसे उम्मीदवार बनाया गया है। राजनांदगांव से भूपेश बघेल, यहां से पार्टी बीजेपी ने अपना चेहरा रिपीट किया है। दुर्ग से ताम्रध्वज साहू, रायपुर से विकास उपाध्याय, महासमुंद से धनंजय साहू, तो ये बड़े नाम चुनाव में नजर आने वाले हैं। इधर दिल्ली में हुई बैठक के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी ने अपना काम पूरा कर दिया है। दावेदारों के नाम पर कांग्रेस सीईसी अंतिम फैसला करेगी। कमेटी का बैठक हुई है और सभी 11 सीटों पे 1-to-1 चर्चा हुआ है, सभी डिस्कस हुआ है, संभवतः अच्छा डिस्कस हुआ है। अब इंतजार है सीएसी का, जब सीएसी होगा तो हमारे पूरे नाम लगभग क्लियर हो जाएंगे। आपने मतलब स्क्रीनिंग काम कमेटी का काम पूरा हो गया? हम लोग का स्क्रीनिंग कमेटी का पूरा काम हो गया, अब बाकी है सीएसी का। सीएसी कब संभावित है सर? अब तो एआईसीसी को तय करना है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बीजेपी ने तगड़ा हमला किया है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने निशाना साधा। भूपेश बघेल की हिम्मत नहीं कि वो चुनाव लड़े। 5 साल से भूपेश बघेल ने झूठ बोला, भ्रष्टाचार किया। ये बड़ा हमला मनेंद्रगढ़ में, ये बड़ा बयान सामने आया है। भूपेश बघेल जी ने पिछले 5 सालों में केवल छत्तीसगढ़ के लोगों को झूठ बोलने का और भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया और आज उनकी हिम्मत नहीं है कि लोकसभा चुनाव लड़ सकें। वो तो पिछले समय झूठ बोलकर सरकार बना लिए थे और वो रिजल्ट पिछले विधानसभा में आ गया। अब वो जानते हैं कि जनता के साथ उन्होंने जो छल किया उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, इसलिए जो है हो सकता है कि ऐसा हो। और लालू प्रसाद यादव को सीएम साय ने जवाब दिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने जवाब दिया है कि 140 करोड़ लोग पीएम मोदी का परिवार हैं। पीएम मोदी 140 करोड़ लोगों के मुखिया हैं। मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास को साकार किया जा रहा है। दरअसल लालू प्रसाद ने पीएम मोदी के परिवार को लेकर टिप्पणी की थी। प्रसाद यादव टिप्पणी किए थे, जो बड़े माननीय व्यक्ति हैं, केंद्र में मंत्री रहे, बिहार के कई के बार से मुख्यमंत्री रहे, कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। तो मोदी जी के परिवार जितना बड़ा तो किसी का परिवार नहीं है। 140 करोड़ उनके परिवार में सदस्य हैं। आज इस देश में जो 140 करोड़ भारतीय हैं वो सबके वो। बीजेपी ने एक बार फिर राजनांदगांव से मौजूदा सांसद संतोष पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। नाम घोषित होने के बाद पहली बार संतोष पांडे कवर्धा पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में एक बाइक रैली निकाली, जमकर आतिशबाजी की। इस मौके पर संतोष पांडे ने एक बार फिर भरोसा जताने के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया और भूपेश बघेल के राजनांदगांव से चुनाव लड़ने की अटकलों पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है साहब, भारतीय जनता पार्टी में सब एक साथ काम करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे यहाँ है, सबको मांगने का अधिकार है, मांगते हैं, सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और मोदी जी ने जो नारा दिया है 400 पार, उसमें कवर्धा यानी राजनांदगांव एक स्टेप होगा, पार करेंगे।
रायपुर में बीजेपी का प्रवेश कार्यक्रम चल रहा है। बिलासपुर जिला पंचायत सदस्य अरुण सिंह, जेसीसी जीके अखिलेश पांडे, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मंतुराम पवार एक ऑडियो को लेकर बहुत चर्चा में रहे किसी दौर में, वो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने गमछा पहनाकर उन्हें सदस्यता दिलाई। बीजेपी में कई दलों के नेताओं ने प्रवेश किया है। ऐसे अवसर में आज बहुत लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए हैं, जिसमें बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, दो तीन और जिला पंचायत के सदस्य हैं। मंतुराम पवार जो पूर्व विधायक हैं वो भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और ऐसे बहुत से लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। इधर जगदलपुर में कांग्रेस की शहर जिला महिला अध्यक्ष सरला तिवारी समेत 7 लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। भगवा गमछा पहनाकर इनका स्वागत किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता होना गौरव की बात है, सभी का पार्टी में सम्मान रखा जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीत, सबसे पहली जीत का बताई कि जनता क्या चाहती है, और इसके अलावा जो महिलाओं के बारे में जो भी बीजेपी बहुत कुछ कर रही थी पिछले 10 सालों में, मैंने देखा कि काफ़ी कुछ हुआ। मैं ऐसा नहीं बोलती कि कांग्रेस के समय नहीं हुआ, उस समय भी काफ़ी कुछ हुआ। इधर महादेव ऐप मामले में ईडी ने दबिश दी है और कई शहरों में छापे की कार्रवाई की जा रही है। 1,86,00,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है और 1 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति है वो जब्त की गई है। 1,78,00,000 की संपत्ति जब्त की गई और नकदी कितनी मिली है? 1,86,00,000। डिजिटल डाटा भी खंगालने के लिए जब्त कर लिया गया है। ईडी ने इस बात की जानकारी दी। खबर रायपुर से, ईडी की छापे की कार्रवाई में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। डिजिटल डिवाइस के साथ साथ 27,00,000 कैश यहां से जब्त किया गया है। 1 मार्च को ईडी ने यहां पर दबिश दी थी। डीएमएफ घोटाले में पूरी कार्रवाई की गई थी। 13 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई थी। कई जिलों में ये छापे की कार्रवाई हुई थी और लंबे वक्त तक ये कार्रवाई चली थी। वहीं कोल स्कैम मामले में ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस का कहना है कि भूपेश सरकार के समय छत्तीसगढ़ में ईडी ज्यादा सक्रिय थी। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इसी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई तमाम केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनका भयादोहन करना, उनको डरवाना और उसके बाद उनको भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक फायदे के लिए शामिल करना। ईडी की कार्रवाई से साफ हो रहा है कि ये जो तथाकथित कोल घोटाला है यह भी एक पॉलिटिकल स्कैम था, राजनीतिक षड्यंत्र था भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का, छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए, छत्तीसगढ़ के नेताओं को बदनाम करने के लिए। मधुमक्खी के हमले में बाल बाल बचे हैं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। दरअसल आतिशबाजी के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। आतिशबाजी से भड़क कर यह हमला किया गया क्योंकि धुआं उठा। कॉलेज के एक वार्षिकोत्सव में पहुंचे हुए थे मंत्री, उसी दौरान चूंकि ये जलसा चल रहा था, धुआं किया जा रहा था, आतिशबाजी की जा रही थी, मधुमक्खियां नाराज हो गई, हमला कर दिया। चार लोग बुरी तरह घायल है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जांजगीर चांपा से बड़ा अपडेट, अस्पताल में तलवार से हमले का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपसी रंजिश में इसने तलवार से हमला किया था। अस्पताल आए 2 लोगों पर इसने हमला किया था, गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल में तलवार से हमले का आरोपी गिरफ्तार, जुलूस निकाला गया इसका। खबर रायगढ़ से, जहां बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल गिरी को गोली मार दी गई और आम आदमी पार्टी के नेता पर गोली मारने का आरोप लगा है।
जमीन विवाद में फायरिंग की घटना सामने आई है। बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल गिरी की हालत गंभीर है, रायगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20। महासमुंद में भारी मात्रा में चांदी की ज्वेलरी जब्त, कार से पुलिस ने जब्त की ज्वेलरी 42 लाख बताई जा रही कीमत। धमतरी में मोमोज के आटे को पैरों से गूंथने का वीडियो वायरल, कलेक्टर ने कही जांच की बात, लोगों को किया सावधान। गरियाबंद के राजिम कुंभ में पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, साथ ही कथावाचक प्रदीप मिश्र रहे मौजूद। धमतरी में स्कूल में लगी आग, फर्नीचर जल।